वीरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। उधमपुर मानसर में भी एग्रीकल्चर विभाग की ओर से कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीक से खेती बाड़ी करने के लिए जागरूक किया गया और उन्हें जानकारी भी दी गई। इस मौके पर किसानों का कहना था कि नई तकनीक से जो सिखाया जा रहा है वो बेहतर है और उसे किसान भी बड़ी जल्दी सीखेंगे, ताकि नई तकनीक से अपनी जो इनकी ज़मीन रहती है उस पर खेती बाड़ी कर सकें। शैवाल कहा जाता है, ये उस शैवाल से ये सागरिका बनाई गई है। ये एक ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइजर है, इसमें सारे जरूरी तत्व जो पौधे को चाहिए वो इसमें मौजूद है। इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ये सब इसमें मौजूद है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया है। ये हमारे यहाँ के ये सरपंच साहब भी हैं और बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, श्री हंसराज जी। ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक ही होती है, क्योंकि यहाँ लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल वैसे ही कम करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज़ से उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ये कोशिश है कि हम उन केमिकल मेथड्स को छोड़ के, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को छोड़कर बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। सुनिए, ठीक है ओवरऑल चलो कोई नहीं है। सतवीर सिंह सूदन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जोन मानसर, सब डिवीज़न उधमपुर की तरफ से मैं अपनी टीम के साथ, पंचायत ऑफिसर्स के साथ हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड करने आए हैं। यहाँ पे हमने NFSM डेमोन्स्ट्रेशन वीट प्लॉट लगाया है। ये लगभग 5.2 हेक्टेयर का एरिया है, तो ये एडजॉइनिंग एरिया हमने लेकर ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है सागरिका, तो ये एक सी वीड एक्सट्रैक्ट है जो एक ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइज़र है। समुद्र में एक लाल रंग की वनस्पति होती है जिसे शैवाल कहा जाता है, उससे ये बनाया गया है। इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों हैं और ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं। तो क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये कोशिश है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। और ट्रायल बेसिस पर हमने यहाँ पे ये लगाया है और हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो फिर हम इसे फर्दर प्रमोट करेंगे। उधमपुर SBI रोज़गार सेंटर में भी एक महीने का ब्यूटी पार्लर कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में लड़कियों द्वारा इसमें भाग लिया गया। जब हमारी बात वहाँ पे काम सीखने के लिए जो लड़कियाँ आई थी उनसे हुई, तो उनका कहना था कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है। और ये ब्यूटी पार्लर का जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, उस कैंप में कुछ सीख कर जाएंगी ताकि वो बाहर जाके अपना रोज़गार बना सके। Thank you.
यहाँ से चलाते चलाते सेकंड स्टेप में आना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से सेकंड तक आना है, सेकंड से थर्ड तक आना है, बीच का गैप आपने खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए करना है कि हमें रिलैक्स फील मिले, कस्टमर फेशियल इसीलिए करवाएगा कि उसको रिलैक्स मिले, तो हमें कोशिश करनी है कि अपना जो भी फेशियल करवाना है हमें रिलैक्स, कस्टमर को रिलैक्स मिले और हमें करने में भी मजा आए, ठीक है। आप करके देखो, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सिखाया जाता है, हमें यहाँ पे मतलब हर फैसिलिटी दी जाती है, हमें यहाँ से टाइम से पे खाना मिलता है, टाइम पे चाय मिलती है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं, हमारे मैम बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का अच्छा नॉलेज दिया जाता है, हमें पार्लर का बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। मैं ये चाहूँगी कि सब यहाँ पे आके सीखें, हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वो गेम सिखाया जाता है। अभी अगर बात करें तो ये सिखाने के बाद लोन की सुविधा यहाँ पर मिलती है, तो जो अन्य युवती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अन्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आके पार्लर का कोर्स करें, वो इधर आके सीखें, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कोर्स है और यहाँ पे मतलब जो बेरोजगार है, जैसे आजकल जॉब नहीं मिलती है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सीखना चाहिए, हमें फ्री में कोर्स मिल रहा है हमें, वरना हमने अगर बाहर जाके कोर्स करना हो तो हमें काफ़ी जैसे कि 1 लाख तक कुछ बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सीखना चाहिए आके हमें चला। और यहाँ पे पार्लर की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे हमें तीनों टाइम खाना मिलता है। और उसके बाद हमने इधर बहुत कुछ सीखा, थ्रेडिंग के बारे में सीखा, फेशियल वैक्स एंड मैनिक्योर पेडिक्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थ्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगी, उसमें सबसे पहले आता है कि थ्रेडिंग पार्लर मैनेजमेंट के बारे में आता है। सबसे पहले हमें अपने पार्लर मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है सीटिंग रूम, वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं और हमें उनके देखना, उन्हें हमें उनकी इंटरटेन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह। और उसके बाद हमारा आता है डार्क रूम, डार्क रूम में फेशियल वैक्स होती है, और फिर हमें अपने क्लाइंट को बोरिंग नहीं करवाना है, उसके इंटरटेन के लिए भी होना चाहिए वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़। फिर हमें प्रिकॉशंस देखनी है कि क्लाइंट को हमें वहाँ पे धीरे वॉल्यूम रखनी है, म्यूज़िक कुछ भी है तो, और वहाँ पे बच्चों को भी एलो नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स। पैसे खर्च करके इस तरह के कोर्स सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुफ्त में आपको ये कोर्स सिखाए, कितना बेनिफिट मिलेगा आपको? सर हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, कोई जितना हम सीखेंगे यहाँ पे हमें हमारे पे डिपेंड है, हमें टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं, यहाँ पे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमें टीचर ने बहुत कुछ। सीखने के बाद अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगे? यस सर, हम यहाँ से सीखने के बाद हम अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहेंगे, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम यहाँ पे हमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने को मिला, यहाँ के टीचर्स डायरेक्टर सर। पहले आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जब जब भी आपकी जरूरत पड़ती आप हमें आ जाते हैं और यहाँ से हमारे प्रोग्राम के बारे में लोगों तक ये प्रोग्राम के बारे में बताते हो। ये शॉर्ट में ये प्रोग्राम है, मैक्सिमम 30 दिन का होता है, और इसमें जो भी प्रोग्राम टेलरिंग का है, टेलरिंग कटिंग का है,
ब्यूटी पार्लर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बर का है, तो काफ़ी ऐसे 60 के करीब कोर्सेज हैं। हम रूरल एरिया में जाके उनको मतलब प्रोग्राम देते हैं, जो बच्चे इन्वाइटेड हम करते हैं यहाँ पे, उनको 30 दिन की ट्रेनिंग, खाना पीना फ्री, और उसके बाद जो हमारा मेन मोटो होता है ताकि ये अपना रोज़गार खुद मतलब कमाएँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बैंक्स हैं उनसे ये लोन लेके अपने मतलब रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। और अल्टीमेट जो एम है हमारा, हर रोज़गार जो बंदा है वो एंटरप्रेन्योर बने ताकि वो दूसरों को भी रोज़गार दे पाए। उसके लिए गवर्नमेंट, आपको पता है, जगह जगह हम अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं और बैंक से पूरी इनको सहायता हम दिलाते हैं। कहीं ना कहीं बात की अगर तो जब लोन की बात आती है तो हिचकिचाहट देखने को मिलती है कि लोन लेंगे, बैंक वसूल लेगा, उसको लेकर क्या मैसेज जो है इन बेनिफिट? सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मैंने जो उधमपुर में, कश्मीर में भी रहा हूँ, बट वहाँ पर लोग स्टेट वे बैंक पे आके लोन लेते हैं, बट यहाँ पे एक लोगों में ओवरऑल देखा कि जो पुराना यहाँ पे दबा छाया हुआ लोगों पे कि लोन मत ले लो, लोगे तो मारे जाओगे, आगे आपको बैंक मतलब कुड़की में आ जाएगा। आजकल वैसे अभी मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी आया था, ऐसे ऐसी स्कीमें लोग पीछे मतलब नहीं जा रहे हैं, स्कीमों के पीछे बड़ी अच्छी है, मार्जिन मनी है। अब जेके बैंक के पास 3 स्कीमें हैं, उनके जरिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर, उनमें सब्सिडी भी अवेलेबल है, उसके अलावा स्टेट बैंक और दूसरे भी मतलब अदारे बैंक्स के हैं जिनसे ये ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें रुचि होनी चाहिए काम करने के लिए। जब आप बैंक से पैसा लोगे तो तभी आप दोगे, जब आप लोगे नहीं तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो जब इनमें ये रुचि रहेगी कि हमने काम करना है तो डेफिनेटली बैंक भी सहायता करती है। कभी ऐसा भी होता है, बैंक इतना भी नहीं है कि कभी ऐसे भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, हालात घर में ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है, बट उसके लिए भी बैंक ने काफ़ी लिबर्टी रखी है, उनके लिए हम पूरा देखते हैं कि हाँ ये नहीं देता, उसके लिए उसको हेल्प होती है बैंक की तरफ से, कुछ अमाउंट माफ भी कर लेते हैं। टाइम टाइम टू स्कीमें भी निकलती हैं, जो नहीं दे पाते उनके लिए वन टाइम स्कीम भी निकल जाती है बैंक से। ये नहीं है कि लिया तो कभी, जैसे घर में भी हम किसी को पैसे नहीं दे सकते हम कहते हैं माफ हो गए, तो ऐसी भी चीज़ें, हम ये नहीं है कि इनके लोगों के दिमाग में ये छाया हुआ है कि यार बैंक से लोन लेना है तो बस आगे हम मर जाएंगे, ये बात ऐसी बात है। बैंक हमेशा सहायता करता है हमें, हर टाइम टाइम पे इनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो ये ऐसी बात नहीं है सर। उधमपुर वार्ड नंबर 13 में गर्ल्स सिटी मिडिल स्कूल बना हुआ, लेकिन स्कूल की हालत खस्ता बनी हुई है। 50 साल पहले स्कूल को बनाया गया था, लेकिन अब भी वैसे का वैसा ही स्कूल बना हुआ है। बारिशों के दिनों में सारा पानी, जो क्लासरूम बने हुए हैं उनके अंदर पानी चला आता है, बच्चे भी बाहर बैठते हैं। बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हर समय खतरा बना रहता है, लेकिन अभी तक एजुकेशन विभाग की बात करें तो शायद इस ओर नज़र नहीं दौड़ाई गई है। इसकी बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं बनाई गई ये कोई नहीं जानता। जब हमारी हेडमास्टर से बात हुई उनका कहना था कि कई बार एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो काम शायद उनकी ओर से काम जल्दी लगवाया जाएगा। JDPU साहब आए थे यहाँ पे, तो ये बात हमने उनके नॉलेज में भी लाई थी। उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल दे रहे हैं हायर थर्टीज को। इसके लिए कभी आपने कोई रिटर्न एप्लीकेशन दी कि हमारे स्कूल की जो है इतनी बुरी हालत है, जहाँ पर जो विंडोज़ टूट चुकी हैं और भी बहुत सी कमियाँ हैं स्कूल में, जिस तरीके से जहाँ पर हमने ये भी पता किया कि जहाँ पर पीएन की पोस्ट है लेकिन पीएन जहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, मतलब कि जो एप्लीकेशन हमने 2-3 बार दी हैं तो हमने अथॉरिटीज़ को के नॉलेज में भी लाया है, तो जैसे ही ग्रांट आती है तो शायद हो जाएगा। उधमपुर में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर की ओर से आज भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। आज
भक्त शहीद भगत सिंह पार्क में रखा गया था और काफ़ी संख्या में वहाँ पर महिला आई हुई थी, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला के जो इंचार्ज हैं गगन शर्मा भी इनके साथ धरने पर बैठे। गगन शर्मा का कहना था कि सरकार को चाहिए कि इनकी डिमांडों की ओर थोड़ा विचार किया जाए, अगर इनकी डिमांडें कुछ जायज़ हैं तो उन्हें माना भी जाए। लेकिन महिलाओं से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक हमारी डिमांडों को हमारी मांगों को नहीं माना जाता इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर शवनी से हूँ। क्या डिमांड करती हैं आपकी? देखिए पहले तो ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की अगर बात करूँ तो सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी तो हम कल डीसी ऑफिस तक गए थे, अब आज हमने यहाँ पे और आगे दो दिन का डीसी मैम ने हमें टाइम दिया है 10 तारीख तक कि हम आपका जो है आगे डिमांड भेजेंगे। अगर उसके आगे भी नहीं हुआ फिर हम जम्मू तक जाएंगे, जम्मू भी नहीं हुआ तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, फिर हम रोक। परेशानी आपको क्या आ रही है? परेशानी हमें दिन रात अभी भी सर हरास किया जा रहा है, जबरदस्ती जो टर्मिनेशन है उनके सेंटरों में जबरदस्ती उनके हाथों में दिए जा रहे हैं, जो नहीं ले रही हैं उनको दे के जा रहे हैं, रख के जा रहे हैं कि नहीं डिसंगेज करना है आपको, डिसंगेज करना है, जबरदस्ती डिसंगेज कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं ऊपर से आर्डर है, डिपार्टमेंट हमारा बोल रहा है, CDPO सर बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं कि ऊपर से आर्डर है आपको करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो सर हम कहाँ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आपके माध्यम से हम हर एक बंदे को बोल चुके हैं, हर ड्यूटी सरकार सबको बोल चुके हैं, कल DC मैम को भी जाके बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। वेतन दिया जाता है? वेतन सर हमें 4200 दिया जाता है, लेकिन 4000 के करीब, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि हमें कुछ स्टेट शेयर होता है, कुछ सेंटर शेयर होता है, कुछ नॉन प्लान से होता है। हमें कभी स्टेट वाले दे देते हैं 1200-1300, कभी हमें सेंटर वाले दे देते हैं 3000-4000, तो हमें खुद ही नहीं आइडिया। और 2018 के बाद तो हमारी क्लियर ही नहीं है सर, और जो जिनको ये अभी 60 साल के बाद भेज रहे हैं ना घर पे, उनकी भी 80-80 हज़ार रुपया जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक बकाया पड़ा हुआ है सर, और उनको सीधा येलो टर्मिनेशन लेटर और घर जाओ। सर ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो ऐसे धक्का मार के निकालता है, कुछ ना कुछ तो दें उनको। हम उन कोई रिटायरमेंट के बाद आपको कोई कुछ भी नहीं सर, एक फूलों की माला, वो भी उधर जो लेने नहीं जा रही हैं अपनी टर्मिनेशन लेटर उनको जाके दे रहे हैं उनके सेंटरों में, एक फूल माला और एक चद्दर दे के जा रहे हैं उनको सेंटरों में, और जी बैठिए घर पे आप। बस सर ये हमें अपने ऑफिस की तरफ से यही मिल रहा है उन बेचारियों को, और कुछ भी नहीं, और कोई आश्वासन तक नहीं है कि आपका पिछला भी हम कोई क्लियर करेंगे। अगर आपके डिमांडों को नहीं माना जाता है तो क्या? हम उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ आज पार्क में बैठे हैं क्योंकि हमें 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद हम सड़कों पर बैठेंगे। हम अब अंदर घर में बैठने वाले नहीं हैं, अब हम अपनी माताओं के लिए लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी यही होगा। पसंद करूँगा क्योंकि मैं आगा कि केंद्र में केंद्र च साड़ी सरकार है, पर इधर एडमिनिस्ट्रेशन जेड़ा भी दिखा दे, साढ़े मनोज सिन्हा और दिखा दे जेड़े आए दे बाहर दा यूपी दा, उन्हें केह पता इतने अस कि रोने, ये पहाड़ी क्षेत्र है, केह मुसीबत आदि केह नहीं, वह सोचते कि इतना जाके दे करके। सब तो पहले मैं शुरुआत करगा कोविड गल, अगर ज़्यादा आती कोविड के टाइम से तो भी दिखते हैं कि बुरा हाल बाहर निकलना नहीं होता, ये साड़िया माता भैन कि निकली आदि ऊँच जाए तो काम करती हैं, भी भी इन्हें नहीं सोचा, इन्हें अफसर आते इन्हें नवे नवे आर्डर देंगे, कदा ये लो राशन ले आओ, इं ले आओ, करो, इन्हें कुछ लिया सर पैसे 4000 अजकल आंदा गया है। अगर मैं आखना 20 चाकियां तो एक सिलंडर लैना होगा तो वह पैसे पूरे होते, उन्हें नहीं समझ लगता। इनकी जी अफसर शीतल नंदा और भी एक लेडीज, उन्हें नहीं पता कि अपनी तो उनकी 2 लाख सैलरी होनी, उन्हें लगभग इन्ने दिन की बैठी दी ये इन्नी तकलीफ च, राशन इन्हें लेना होगा इन्हें तो भी बेचारे पैसे चाहिए, जिंद सेंटर खोले दे उधर परेशानी हर जगह हूँ नवी जी। अगर मैं थोड़े डोगरी से मैं भी गल करा, लेकिन कुछ ना कुछ दिखो तो डॉक्टर जितेंद्र जी PMO मंत्री ने, वो साढ़े जम्मू कश्मीर के गए, तो थोड़े कन्ने भी ठीक है उनका सर्कल, क्या उन्हें नहीं लगा कि जनानियां जड़ियां बेचारियां 4000 रुपया नहीं दिंदा थोंदा, वो भी उन्हें टाइम का नहीं थोड़ा, फिर बेचारियां सड़कें पर, एक तरफ सरकार आखदी कि बेटी पढ़ाओ तो बेटी पढ़ाइए तो फिर सड़कें पर आनी तो क्या फायदा। कुछ ना कुछ दिखो अगर थोड़ी सरकार केंद्र से तो सरकार थोड़ी है ना, LG अगर मनोज सैना इतने आए दिन तो भी केंद्र सरकार ने भेजे दिन, वो कोई पुठिए नहीं आए दिन उतुआ, तो सरकार थोड़ी हूँ तुम अपनी सरकार की तरफा क्या आखना चाहिए? मैं इन्हें पहले आखना चाहिए
केंद्र सरकार ने एल जी भेजे पर जो एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए करा दे रनवाए नाट ए सेंटर गोरमेंट इसलिए वो अपने इंप्लाई ने जोड़े वो करते पर अं इन्हें यह आश्वासन देगा कि इंदे कन्ने है साढ़े डॉक्टर और आना चार पाँच दिन आना इंदी गल पूरी पुजग हर प्लेटफॉर्म पर पुजग जो तक इधर बैठे दे अस इंदे ने रोके इस बार ये धरना इंदा इं खत्म नहीं होग इस बार आ रही पार होग जड़ियाँ क्योंकि 60 साल वाली जी ने एक और पॉलिसी लियाई है जिन्हें पूरा अपना पूरी जिंदगी देउड़ी इस डिपार्टमेंट की जेडे बच्चे बेचारे प्यार अंगर उन्हें पढ़ाए खिलाए जो भी किया पूरा किया अज तैलू रिटायर होते उन्हें पैसे भी नहीं देते और इज्जत मान समान नहीं देते एक नौकरी बंदा कहदी गल्ल करदा तैलू करदा इज्जत मान समान अगर वो नहीं दे सकते फिर मैं आखना इन्हें ब्यूरोक्रेट्स की आखना चाहिए नौकरी छोड़नी चाहिए इन्हें जूते मारने चाहिए अपना कहीं क्योंकि उन्हें नहीं दर्द लगा यह माता बैठी है कोई इतने शो करना थोड़ी बैठे सारे घर आए थे तकलीफ है तो मैं यही आगा इंदी अस अपने हायर अथॉरिटी को भी गल पजागे पर मैं आखना ब्यूरोक्रेट्स अगर सही तरीके समझी आन कोई इंदी कोई ज्यादा डिमांडा नहीं है कि साड़ी दो दो लख सैलरी करो जेनुअन डिमांड्स नहीं दियाँ अगर नहीं होंगे अस तो इंदे कन्ने हूँ छिड़को नहीं आगे अस असें अगर दफ्तर का ग्राब करना पोग या अफसर ही रवि सिंह को दीजिए इजाजत कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.